अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत और नई डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके लिए हमने 21 फंदा डाल लिया है। दोनों किनारे पर 4-4 फंदा सादा बुन देंगे और 5 फंदा, इसमें 5 में 2 उल्टा, 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, फिर हम 5 सीधा डाल रहे हैं। इसमें कोई डिज़ाइन भी डाली जा सकती है और ज़्यादा चौड़ा 5 की बजाय 10 सीधा डाला जा सकता है, अपनी पसंद पर है। ये 5 सीधा हमने डाल लिया है। 5 सीधा बुनने के बाद 2 उल्टा, 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, देखिए 2 उल्टा बुनने के बाद अब 3 सीधा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई से उल्टे पर उल्टा, सीधे पे सीधा, जैसे हमने जो बुना था उल्टा जो है इसको उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधे पे देखिए सीधा बुन लेंगे। फिर उल्टे पर उल्टा बुनेंगे, जो उधर से 5 उल्टा था, 5 सीधा था, इधर उल्टा है, इस पर उल्टा बुनेंगे। फिर सीधे से देखिए उल्टे पर उल्टा सीधे सीधा बुनेंगे। अभी डिजाइन नहीं पड़ी। देखिए 4 सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद इस पर डिज़ाइन पड़ेगी। अब दिखा रहे हैं डिज़ाइन कैसे पड़ती है। ये तो किनारे वाला सीधा बुन लेंगे, जो 2 उल्टा 1 सीधा फिर 2 उल्टा बुना है, इसी पे डिज़ाइन पड़ेगी। उनको पीछे करेंगे। यहाँ चौथी सिलाई, जो 4 सिलाई हमने बुना है, यहाँ चौथी पर इसमें डालेंगे, डाल के इसको लंबा से खींच लेंगे। लंबा से खींच गया, अब इसी में लपेट देंगे। 10 बार लपेटेंगे, गिन के लपेटने से सही रहता है, वैसे नहीं तो छोटा बड़ा हो जाता है। ये 10 बार लपेट गया, अब फिर इस सीधे वाले को सीधा बुन देंगे। हमने बताया था कि 10 बार लपेटेंगे, छोटा लग रहा था इसलिए 12 बार लपेटे। अब देखिए ये जो जंजीरा है, ये वाली सीधी वाली लाइन है, इसके किनारे से यहाँ डाल के लंबा खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे लंबा, फिर इसमें भी वैसे 12 बार लपेटेंगे। देखिए अभी हो गया। अब हम इसको जितना उल्टा है उल्टे पुल्टा सीधे सीधा बुनते चले जाएंगे। देखिए 2 जगह डिज़ाइन डाला है। इस पर कुछ भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, या सादा ही बुन सकते हैं, या और नज़दीक कर सकते हैं। ये वाली अब देखिए उसी जगह डाल के खींच लिए हैं। अब इसमें फिर 12 बार लपेटेंगे,
से 12 बार लपेट के भर। सीधी सिलाई पूरी हो गई है, अब उल्टी तरफ से डिज़ाइन को बांधेंगे। देखिए उल्टे पुल्टे सीधे सीधा जो है उसको बुन लेंगे। जो डिज़ाइन बनाया है अभी देखिए, देखिए तीन फंदा है, इसमें बीच वाले को किनारे कर लेंगे ऐसे करके, देख रहे हैं बीच वाले को ऐसे करके किनारे कर लेंगे और फिर तीनों को एक में बुन देंगे, तीनों को एक में बुन देंगे, यानी बंध गया जो पढ़ा था लंबा वाला जो, देखिए इस तरह से हो गया। फिर देखिए गौर से देखिएगा, देखिए बीच वाले को पहले उतार लेंगे इस तरह से और किनारे वाले को बीच में कर लेंगे और इसको बीच वाले को किनारे कर लेंगे और इसको उल्टा बुन देंगे, तीनों एक में बंध गया। अब सीधी तरफ से दिखा रहे हैं, अब देखिए सीधे तरफ से कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है। ये लाइट कलर पर या सफ़ेद सफ़ेद पर ज़्यादा खिलती है। अब फिर हम इसे सीधे सीधा उल्टे पुल्टा जब चौथी सिलाई होगी दो सिलाई और बुनेंगे तब फिर डिज़ाइन डाली जाएगी। देखिए उल्टे पुल्टा सीधे सीधा इसे बुनते चले जाएंगे। अभी बुन के बता रहे हैं फिर कितनी सिलाई भी डाली जाएगी, चौथी सिलाई भी डाली जाएगी। देखिए नाजिन हम चार सिलाई हमने पूरी कर लिया है। अब इस सिलाई पे देखिए चार सिलाई पूरी हो गई, एकदम सीधा है, देखिए सीधा है। अब इस पर जो है डिज़ाइन पड़ेगी, चार सिलाई के नीचे इसको सिलाई को डालेंगे और ऐसे लंबा खींच लेंगे, लंबा खींच गया। अब इसी को 12 बार इसी में लपेट देंगे, 12 बार लपेटने के बाद इसी सिलाई पे ले लिया जाएगा तो पीछे से बांधा जाएगा, तीनों एक में बुन दिया जाएगा। देखिए अब ये जो है 12 बार लपेट के हो जाएगा, डिज़ाइन पूरी हो जाएगी। पीछे से ये तीनों को पकड़ के एक साथ बुन देंगे। अगर यहाँ बीच में यही डिज़ाइन डालना चाहे तो पांच फंदा है ये डाली जा सकती है, थोड़ा मुश्किल देर में होती है इसलिए जो है कम ही डाले तो ठीक है, लपेटने में टाइम लगता है। पीछे से एक बार बात को बता दे रही हूँ फिर से, देखिए दोनों सीधा बुन लेंगे, बुनने के बाद ये बीच वाला ये किनारे कर लेंगे, किनारे करके तीनों एक में इसे पकड़ के बांध देंगे, तीनों एक में बुन देंगे उल्टे से। देखिए तीनों एक में बन गया। नाजरीन देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन है, सबको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो जो इसमें नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।